गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा टेंस पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस। एज यू ऑल नो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे वो पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट है, सब में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाओगे, पास्ट परफेक्ट है तो आप हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगाओगे, और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो आप शैल विल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। लेकिन राइट नाउ हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अफर्मेटिव में इसका रूल होता है बेटा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप इसको नेगेटिव में चेंज करोगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी आप जब इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करोगे तो हम इस हैड को पहले ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ साइन ऑफ इंटरोगेशन, बिकॉज इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका एग्जांपल देखिए, आई हैड पोस्टेड द लेटर, मैं लेटर पोस्ट कर चुका था, पास्ट में वो ये काम कर चुका है। अब इसको आप नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के साथ हमने, एज यू ऑल नो कि हैड के साथ में हमें नॉट लगाना है, तो नेगेटिव के साथ में हो जाएगा इसका आई हैड नॉट पोस्टेड द लेटर। इंटरोगेटिव में इस हैड को पहले ले आए, हैड आई पोस्टेड द लेटर एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यू हैड अप्लाइड फॉर द जॉब, नेगेटिव में बनाएंगे तो यू के साथ में भी हैड ही लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हैज हैव की तरह इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, हैड ही लगेगा सबके साथ, सिंगुलर के साथ भी हैड और प्लूरल के साथ भी। तो यू हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब, अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये वाला हैड आगे आ जाएगा, हैड यू अप्लाइड फॉर द जॉब और साइन ऑफ इंटरोगेशन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। अफर्मेटिव में इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इंटरोगेटिव में इसका रूल होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये था बेटा आपका पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट वाला रूल भी लगेगा और कंटीन्यूअस भी है बीच में, तो कंटीन्यूअस मतलब हैड भी लगेगा और कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी लगेगा। पर ये तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और कंटीन्यूअस इकट्ठा है, इसलिए इनके बीच में इनको जॉइन अप करने के लिए हम क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड क्योंकि ये परफेक्ट है, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसलिए क्योंकि ये कंटीन्यूअस भी है साथ में। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर ये नेगेटिव बनाओगे इसको तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, बीन से पहले नॉट लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसको इंटरोगेटिव में जो कन्वर्ट करना है तो ये वाला हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन इज कंपल्सरी बिकॉज इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स सी द एग्जांपल, आई हैड बीन डांसिंग, आई सब्जेक्ट है इसमें, हैड एज यू नो कि हैड परफेक्ट है तो हैड, बीन डांसिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आ गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आपका अफर्मेटिव का रूल है। जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करोगे तो आई हैड नॉट, देखो आई के सब्जेक्ट के साथ में हैड और नॉट, हैड नॉट आएगा, तो नेगेटिव में भी हमने भी यही लिखा हैड के साथ नॉट, आई हैड नॉट बीन डांसिंग। अब जब आप इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करोगे, इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है तो इस हैड को पहले ले आओ, हैड आई बीन डांसिंग एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे हैड बीन प्लेइंग, they had been playing, they is subject and ये verb की first form के साथ ing भी आ गया, और ये क्योंकि perfect है तो had भी आ गया, और perfect और continuous को join up करने के लिए आपका been भी आ गया। जब आप इसको negative में change करोगे तो had के साथ not लगा दोगे इसमें भी, they had not been playing, और जब इसको आपको बनाना है interrogative तो इस had को पहले ले आओ, had they been playing और sign of interrogation। फिर से मैं रूल बता देती हूँ बेटा एक बार, अफर्मेटिव में इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी, नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हुए हम हैड को पहले ले आते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये थे बेटा आपका पास्ट टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपका होमवर्क है कि आपको इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, जितनी भी एक्सरसाइज है पीवीसी की बुक में, आपको वो फिल करनी है और प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों टेंसेस के रूल लर्न करने हैं फॉर द ओरल टेस्ट। थैंक यू।